हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभात कुमार है और आज मैं आपके साथ द फोर बार चेन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं। द फोर बार चेन टॉपिक को हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम इन्वर्जन, पैरेलल क्रैंक, फोर बार लिंकेज और डेल्टा ऑयल लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम स्लाइडर क्रैंक चेन और तीसरे पार्ट में हम डबल स्लाइडर क्रैंक चेन को बारे में जानेंगे। आज का वीडियो मैंने सिर्फ फर्स्ट टॉपिक को लेकर के बनाया है। तो पहले जान लेते हैं कि फोर बार चेन होता क्या है। अगर हम चार रिजिड लिंक को एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ पिन जॉइंट्स कनेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं फोर बार चेन, और उसमें से अगर हम किसी भी एक लिंक को फिक्स कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं लिंकेज या मैकेनिज्म। आइए इस एनिमेटेड वीडियो की मदद से समझते हैं। ये रहा हमारा फोर बार मैकेनिज्म, और इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीन वाली जो लिंक है वो फिक्स्ड है और बाकी सभी लिंक्स एक दूसरे के साथ पिन जॉइंट से कनेक्टेड है। ये रहा हमारा फिक्स्ड बार, और आप देख सकते हैं कि येलो वाली जो बार है या लिंक है वो एक कंप्लीट रोटेशन कर रही है, तो इस वजह से हम इसे क्रैंक बोलेंगे। और फिक्स्ड बार के अपोजिट जो लिंक है, जो कि रेड कलर वाली लिंक है, उसे हम बोलेंगे कपलर। और एक होता है रॉकर, जो कि सिर्फ ऑसिलेट करता है। इस फोर बार मैकेनिज्म में अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स को फिक्स करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म मिलता है, और उसे हम कहते हैं इन्वर्जन। आइए हम पहले इन्वर्जन के बारे में जान लेते हैं। पहले इन्वर्जन से हमें डबल क्रैंक या क्रैंक रैंक या ड्रैग रैंक मैकेनिज्म मिलता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लास वन मैकेनिज्म या लिंकेज होता क्या है। अगर हमारा शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक का समेशन अदर टू लिंक के समेशन से कम होता है तो उसे हम कहते हैं क्लास वन लिंकेज। इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है उसकी वैल्यू 5 है और जो लॉन्गेस्ट लिंक है उसकी वैल्यू 12 है, और इसका समेशन अदर टू लिंक के समेशन से कम आ रहा है, तो ये हमारा हो गया क्लास वन लिंकेज। क्लास वन लिंकेज में अगर हम शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर देते हैं तो हमें जो इन्वर्जन मिलता है वो होता है डबल क्रैंक या क्रैंक रैंक मैकेनिज्म। इस एनिमेटेड वीडियो की मदद से आप समझ सकते हैं। इसमें जो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है, जो कि यह ग्रीन कलर वाली लिंक है, उसको फिक्स करने की वजह से जो रेड और येलो कलर वाली लिंक है वो कंप्लीट रोटेशन कर रही है, इस वजह से हमें डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिल रहा है। और जो ब्लू कलर वाली लिंक है वो ऑसिलेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। दूसरे इन्वर्जन में हम जो शॉर्टेस्ट लिंक है उसके एडजेसेंट लिंक को फिक्स कर देते हैं। ये भी क्लास वन लिंकेज का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें हमें क्रैंक लीवर या क्रैंक रॉकर या रोटरी ऑसिलेटिंग कन्वर्टर मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे शॉर्टेस्ट लिंक थी, जो कि हमारी रेड कलर वाली लिंक थी, उसकी एडजेसेंट लिंक जो कि ग्रीन कलर वाली लिंक है उसको फिक्स करने की वजह से जो सिर्फ रेड कलर वाली लिंक है वही एक कंप्लीट रोटेशन कर रही है, और हमारी येलो कलर वाली लिंक वो सिर्फ ऑसिलेट कर रही है, तो ये रॉकर का काम कर रही है, और ब्लू कलर वाली लिंक वो ऑसिलेशन के साथ साथ ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। तीसरे केस में अगेन, जो मैंने पहले कहा कि शॉर्टेस्ट लिंक के एडजेसेंट लिंक को फिक्स करने से हमें क्रैंक लीवर या क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलता है, तो इस बार हमने सी के जगह ए को फिक्स कर दिया है और क्लास वन लिंकेज है, तो हमें अगेन क्रैंक लीवर या क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। इसमें अगेन जो रेड कलर वाली लिंक है वो कंप्लीट रोटेशन कर रही है, येलो कलर वाली लिंक वो ऑसिलेट कर रही है, और ब्लू कलर वाली लिंक वो ऑसिलेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। अब हम जान लेते हैं कि डबल रॉकर मैकेनिज्म क्या होता है। तो क्लास वन बार लिंकेज में अगर हम शॉर्टेस्ट लिंक के अपोजिट वाले लिंक को फिक्स कर देते हैं तो हमें डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलता है। इसका मतलब यह है कि इस मैकेनिज्म में कोई भी लिंक एक कंप्लीट रोटेशन नहीं करेगी। आप देख सकते हैं इस एनिमेटेड वीडियो में कि जो शॉर्टेस्ट लिंक थी ब्लू कलर वाली लिंक, उसके अपोजिट लिंक यानी कि ग्रीन कलर वाली लिंक को हमने फिक्स कर दिया है, तो इसके वजह से कोई भी लिंक अब कंप्लीट रोटेशन नहीं कर रही है। रेड और येलो कलर वाली लिंक बस ऑसिलेट कर रही है, और ब्लू कलर वाली लिंक ऑसिलेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे डबल रॉकर मैकेनिज्म का। अब क्लास टू बार लिंकेज के बारे में जान लेते हैं। तो क्लास वन में क्या था कि शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट का समेशन अदर टू लिंक के समेशन से कम था, लेकिन क्लास टू बार लिंकेज में शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट का समेशन अदर टू लिंक के समेशन से ज्यादा है।
तो इसमें आप किसी भी लिंक को फिक्स कीजिए, आपको हमेशा डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप किसी भी लिंक को फिक्स कीजिए, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट या अदर टू में से किसी भी एक लिंक को फिक्स कीजिए, आपको हमेशा डबल रॉकर मैकेनिज्म ही मिलेगा। अब हम तीसरे केस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक का समेशन अदर टू लिंक के समेशन के बराबर होता है। तो इसमें दो केसेस बनते हैं। पहले केस में क्या होता है कि जो दो लिंक है, दो जो लॉन्गेस्ट लिंक है वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, दो शॉर्टेस्ट लिंक एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो इसमें हमें पैरेलल क्रैंक फोर बार लिंकेज मिलता है। इसमें आप किसी भी लिंक को फिक्स कीजिए, आपको हमेशा डबल क्रैंक मैकेनिज्म ही मिलेगा। इस केस में हमने लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स किया है, तो येलो और रेड कलर वाली लिंक जो कि इक्वल है लेंथ में, वो दोनों एक कंप्लीट रोटेशन कर रही है, वो क्रैंक का काम कर रही है, और जो हमारी ब्लू कलर वाली लिंक है वो ऑसिलेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। अब बात करते हैं डेल्टॉइड लिंकेज के बारे में। तो अगेन इसमें भी शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक का समेशन इक्वल होता है अदर टू लिंक के समेशन से, और इसमें जो दोनों इक्वल लेंथ की लिंक होती हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट होती हैं। यानी कि अगर इसके वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 10 है तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होंगी। इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होंगी। इस केस में अगर हम शॉर्टर लिंक को फिक्स करते हैं तो हमें डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलता है, और अगर हम लॉन्गर लिंक को फिक्स करते हैं तो हमें क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलता है। आप इस एग्जाम्पल की मदद से देख सकते हैं इस एनिमेशन में कि सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स किया है, तो इस वजह से जो ब्लू कलर वाली, जो येलो कलर वाली लिंक थी वो एक कंप्लीट रोटेशन कर रही थी, और केस टू में हमने शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया है तो इसमें हमें डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिल रहा है। इसमें येलो और रेड कलर वाली लिंक वो दोनों कंप्लीट रोटेशन कर रही है। तो जब हम शॉर्टर लिंक को फिक्स करते हैं तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलता है, और लॉन्गर लिंक को फिक्स करते हैं तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलता है। एक बार जो भी हमने पढ़ा है उसे रिकैप कर लेते हैं। केस वन में शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक का समेशन अदर टू लिंक के समेशन से कम होता है। केस टू में शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक का समेशन अदर टू लिंक के समेशन से ज्यादा होगा, और केस थ्री में शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक का समेशन अदर टू लिंक के समेशन से बराबर होगा। सेकेंड केस में हमेशा हमें डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। केस थ्री में डबल क्रैंक या क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा, और केस वन में हमें तीनों ही केसेस मिल जाती हैं। डबल क्रैंक, डबल रॉकर, क्रैंक रॉकर, तीनों ही केसेस इसमें आ जाती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा।